करने वाले हैं टू आईसीएसई बोर्ड स्कूल्स इन पटना। कौन विद्यालय है, वैकेंसी किस किस क्लास की आउट हुई है, एड्रेस क्या है, किस तरह के फैसिलिटीज ये प्रोवाइड कराते हैं, सारा डिटेल इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। आईसीएसई बोर्ड स्कूल, फर्स्ट ऑफ ऑल नाम बताना चाहेंगे सब स्कूल्स का हम, तो नाम है पहला संत पॉल्स हाई स्कूल और सेकंड वन इज सेंट एल्बर्ट हाई स्कूल। ये विद्यालय कैसे रहते हैं, कैसे रन करते हैं, कहाँ पे है ये, कैसे आप एड्रेस, आपका एडमिशन वहाँ पे हो सकता है, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देना चाहेंगे। अगर आप पहली बार हमारे वीडियोस को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस तरह के इन्फॉर्मेशन हमारे बैक टू बैक आते ही रहते हैं। तो लेट्स साइन इन। हाई स्कूल सेंट पॉल्स स्कूल के बारे में, जो कि आईसीएसई बोर्ड का स्कूल है, बहुत से पेरेंट्स सबसे आईसीसी बोर्ड वाले स्कूल के बारे में पूछ रहे हैं, तो सारा इन्फॉर्मेशन हम देने का प्रयास करेंगे जो कि ये स्कूल्स के वेबसाइट पे दिया गया है। इस तरीके से पहला बात किया जाए कि आईसीसी बोर्ड है, ये आईसीसी बोर्ड के सिलेबस को फॉलो करता है। सेकंड स्टेप में इसका जो एडमिशन है, इसका फॉर्म कैसे मिलेगा सर, तो एडमिशन फॉर्म आर अवेलेबल एट द स्कूल ऑफिस, स्कूल ऑफिस में इसका फॉर्म मिलता है। पेरेंट्स और गार्जियंस आर रिक्वेस्टेड टू फिल इन द एडमिशन फॉर्म विद द जो भी चीजें हैं ड्यू टू द बर्थ, Once entered cannot be changed. बर्थ सर्टिफिकेट जो है एक बार आपने एंटर कर दिया तो वो जो है वो चीजें चेंज नहीं होंगी। फॉर्म स्कूल से मिलेगा, सिलेक्शन कैसे होगा, बाय द कमिटी, साफ दिया हुआ, सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी डन बाय द कमिटी, नो कॉरेस्पॉन्डेंस विल बी सॉलिसिटेड रिगार्डिंग द सिलेक्शन एंड एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट। इसके बाद हम बात करेंगे सर कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। फी यहाँ पे इतना अच्छे से नहीं दिया गया है, तो व्हेन यू गो टू द ऑफिस, स्कूल ऑफिस, शायद वो चीजें आपको वहां पे क्लियर कर दें। यहाँ पे एडमिशन फी, डेवलपमेंट फी भी लगता है, बिल्डिंग फंड फी लगता है, ट्यूशन फी है, नर्सरी से लेके क्लास 3 तक वाले बच्चों का यहाँ पे दिया हुआ है पर मंथ, ये चीजें यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रही हैं। टर्म फीस, मिसलेनियस चार्ज, कंप्यूटर फीस यहाँ पे है 3 तक वाले बच्चों का। अब हम देखना चाहेंगे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है यहाँ पे टाइम ऑफ एडमिशन। अगर आप इसका बात करना चाहें तो पहला चीज जो यहाँ पर दिया हुआ है वो है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट फॉर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन नर्सिंग होम और पंचायत, कहीं का भी हो आपका यहाँ पे डीओबी होना चाहिए। उसके बाद आपका रेसिडेंस प्रूफ होना चाहिए, इसमें जो चीजें दी गई हैं उसमें वोटर आईडी कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल और टेलीफोन बिल, 3 चीजें यहाँ पे डिमांड की गई है। 1 पासपोर्ट साइज फोटो अलॉन्ग विथ पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स यानी माता पिता और बीच में बच्चे का फोटो, 1 यहाँ पे डिमांड किया गया है। उसके बाद 1 पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ द स्टूडेंट्स, एक बच्चे का फोटो यहाँ पे होना चाहिए। ये चीजें यहाँ पे हो गई। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कैरी चिल्ड्रन टू एंड फ्रॉम 4 फ्रॉम द स्कूल्स एंड द ट्रांसपोर्ट फी आर क्रेडिटेड बाय द ट्रांसपोर्ट पोर्टर देमसेल्फ, यानी प्राइवेट वैकेंसीज के थ्रू, एजेंसीज के थ्रू यहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो है ऑर्गेनाइज होता है। द स्कूल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी चिल्ड्रन ऑन द वे टू और फ्रॉम द स्कूल एट द बस स्टॉप। टाइमिंग यहाँ पे दिया हुआ है समर का, विंटर का, ये तो चीजें चेंज होती रहती है। और स्कूल जो है द स्कूल सेशन इज फ्रॉम द अप्रैल टू द मार्च, उसके बाद ईयर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर जो है अप्रैल से सितंबर तक चलता है और सेकंड सेमेस्टर अक्टूबर से लेकर मार्च तक चलता है। इसके बाद हम बात करना चाहेंगे इवेल्युएशन क्या है, टेक्निक जो एग्जामिनेशन होते हैं जो सीबीएसई बोर्ड का है, रूल्स एंड रेगुलेशन है इंपॉर्टेंट। डिस्क्रिप्शन में इसका हम लिंक डाल देंगे जहां पे जाके आप इन चीजों को बारीकी से देख पाइएगा। ये पहले की विद्यालय है कहां पर, ये विद्यालय जो है वो बुद्धा कॉलोनी पटना में है, जहां पे आप जाके एडमिशन्स करा सकते हैं। एडमिशन इज गोइंग ऑन फ्रॉम द आईसीएसई बोर्ड। बहुत सारे पेरेंट्स का ये डिमांड है सर हम ये आईसीएसई बोर्ड के स्कूल्स भी बताए जाए, तो आईसीएसई बोर्ड्स के ये स्कूल है जो जिसको हम लोगों ने पहला लिया था, इट्स कॉल्ड संत पॉल्स स्कूल, जो कि बुद्धा कॉलोनी में है। एडमिशन यहाँ पे चालू है, आप स्कूल ऑफिस में जाकर सारी चीजें वहां पे आप ले सकते हैं। ये रहा है स्कूल का यूनिफॉर्म, जहाँ पे स्कूल का टाई, ब्लैक सूट, नो सैंडल्स और सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। फैसिलिटीज भी बहुत तरह के बच्चों के यहाँ प्रोवाइड कराते हैं, प्लेइंग ग्राउंड है, बच्चे यहाँ पे प्ले ग्राउंड में जाते हैं, लैब्स हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो बच्चों के डेवलपमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट स्कूल, दैट इज कॉल्ड सेंट एल्बर्ट हाई स्कूल। ये भी आईसीएसई बोर्ड का स्कूल है, सेंट एल्बर्ट हाई स्कूल। आइए बात करते हैं विद्यालय है कहाँ पर। ये विद्यालय पटेल नगर पटना में है। सेंट एल्बर्ट एफिलिएटेड टू आईसीएसई न्यू दिल्ली इंडिया हुआ है। NOB 1017 एफिलिएशन का जो ईयर है वो 1980 से विद्यालय एफिलिएटेड है, तो पुराना विद्यालय है। यहाँ पे आप बात भी कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पे या ईमेल करके आप बात भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बात किया जाए एडमिशंस का, तो एडमिशन जो है गोइंग ऑन है, एडमिशन इज गोइंग ऑन, आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। क्लास 10 तक का ये स्कूल है, 10 तक का विद्यालय है यहाँ पर। इससे ज्यादा यहाँ पे चीजें नहीं दी गई हैं। फैसिलिटी की बात की जाए तो यहाँ भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज स्कूल प्रोवाइड कराता है
और बहुत तरह की फैसिलिटीज, लैब फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है, सीसीटीवी कैमराज है यहाँ पे। इन चीजों को हम लोग ने अध्ययन करने के बाद जाना और ये चीजें यहाँ पे निकल के आती हैं। आईसीएसई बोर्ड का स्कूल है, पढ़ाई ठीक है, अच्छी है और यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। इफ यू नीड टू टेक एडमिशन रिगार्डिंग दिस, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों का नामांकन अगल बगल के विद्यालयों में कराना चाहते हैं, तो ऐसे विद्यालय को भी हम लेके आना चाहेंगे जो कि आपके अगल बगल में है, जो कि सही में एफिलिएटेड है और पढ़ाई अच्छी मिलती है वहां पर। तो दिस कैन बी ऑप्शन, यहाँ जाके आप एडमिशन ले सकते हैं, अपने सूझबूझ से ही एडमिशन ले। हमारा मकसद है आपको बस इन्फॉर्मेशन देना कि ये विद्यालय आपके एरिया में काम कर रहे हैं और आईसीएसई बोर्ड से है। हमारा ये कतई मतलब नहीं कि आप इसी स्कूल या किसी भी विद्यालय में जाकर आंख मूंद कर नामांकन ले ले, आप एक बार देख ले वेबसाइट में, हम दोनों स्कूल का डिस्क्रिप्शन में दोनों विद्यालय का हम नामांकन लिंक डाल देंगे, जहां पे आप नामांकन लेने से पहले एक बार इसको जरूर विजिट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। दोनों विद्यालय एफिलिएटेड है, दोनों ही बच्चों के डेवलपमेंट के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और आईसीएसई बोर्ड के स्कूल है, जहाँ पे जाके आप ले सकते हैं। सारा इन्फॉर्मेशन आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी को बजाना नहीं भूलेगा। इफ यू नीड हाउ टू क्रैक द एग्जामिनेशंस, बहुत सारे विद्यालयों का एग्जामिनेशन चल रहा है, आने वाली वैकेंसीज आने वाली हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसीज भी आने वाली है, आरबी पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल की वैकेंसी फेब में आने वाली है, तो बहुत सारे बच्चे हमारे कोर्सेज में एनरोल है। इफ यू वांट टू हाउ टू क्रैक द एग्जामिनेशंस, यू कैन कॉल द नंबर 9472163206 टू बी इन द पटना टॉप स्कूल, क्योंकि पढ़ेंगे बच्चे तभी तो पढ़ेंगे बच्चे। जय हिंद, जय भारत।